कैसी बात करते हैं आप? चार बच्चों को तीन बच्चों कैसे कह सकते हैं? देखे देखे राहुल बाबू, हम झूठा नहीं हूँ, समझे ना, हम सच्चा आदमी हूँ। हम बेईमान नहीं हो सकता हूँ। हाँ, हम गलत हो सकता हूँ लेकिन बेईमान नहीं हो सकता हूँ। हम बुद्धू नहीं हूँ। हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूँ। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गए तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। फौरन अस्पताल लेके गए, नई टांग लगवाई, ऑपरेशन करवाया, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ी, बस 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 बस। घूंघट की आड़ से दिलबर का वो गाना, किसी की भी फिल्म हो उसका प्रोड्यूसर कोई भी होने दो, इफ आमिर खान इज देयर, ये समझ लो कि वो तो छोड़ेगा नहीं, एक भी सीन को छोड़ेगा नहीं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी और ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े जानकार है। एक्टिंग तो इतनी जबरदस्त करते हैं कि कागज पे लिखे किरदारों में जान फूंक देते हैं। जब ये कैमरा पर आकर कोई किरदार निभाते हैं तो ऐसा फील होता है कि ऐसा इंसान वाकई में एग्जिस्ट करता है। ये कमाल करते हैं। चाहे वो आमिर खान के साथ की हुई फिल्म हम है राही प्यार की में मिश्रा जी का किरदार हो या फिर वेलकम में बल्लू का किरदार हो, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे साथ है आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बेहद शानदार एक्टर मुश्ताक खान, जिन्हें हाल ही में हमने गदर 2 में भी देखा। मुश्ताक जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। नमस्कार नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों को, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बड़ा प्यार। जितना आप लोगों ने हमें सराहा है, खासकर मुझे सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिसेंटली जो फिल्म गदर 2 रिलीज़ हुई है उसके लिए मुझे इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, उसके लिए मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा तहे दिल से प्यार। मुश्ताक जी, हम गदर के बारे में भी बात करना चाहेंगे और फिल्मों में आपके जो किरदार है उनके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ से हैं और कैसे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपका रुझान हुआ? देखिए खुशबू जी, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि अभी ये ज़माना इतनी तेज़ी से चल रहा है, इतनी रफ्तार से चल रहा है, लोगों को इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं फटाफट बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, जिसका नाम बैहर है, जो बालाघाट ज़िले में पड़ता है, जबलपुर के पास, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना स्कूलिंग जो है वहीं पर की है। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं 6वीं क्लास में था तब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मतलब मुझे एक्टिंग का ऐसा था, आप जिसको बोल सकते हैं कीड़ा या जो भी, वट एवर इट इज़, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी तो नहीं कर पाऊँ। कहाँ से शुरुआत हुई 6वीं क्लास में? क्या 6वीं क्लास से, जब मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में जो भी फंक्शन होते थे, जो भी होता था, स्टेज जहाँ स्टेज बना वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं जाऊँ और कुछ कर दूँ। तो मैं वहाँ पर जाकर के मोनोलॉग करता था, थोड़ी बहुत एक्टिंग करता था, फिल्मों के गाने गाता था, समझे। और मुझे फिर वो थोड़ी सी बहुत वाई वाई मिलती थी, थोड़े किसी ने 5 रुपये दे दिया, किसी ने 10 रुपये दे दिया, खुश होकर के। दैट टाइम आई एम टॉकिंग, दिस इज बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेट 60s की। अच्छा। हाँ, 65। तो कभी घर परिवार से डांटनी पड़ती थी कि ये क्या, मतलब बहुत 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 बहुत, हाँ। बहुत ज़्यादा। मुझे कहा यार, हमारे घर में मेरे जो फादर थे और मदर थे और जो रिश्तेदार थे, बोले ये क्या पैदा हो गया आपके घर में, नचनिया हो गया ये तो। समझे, तो हमारे यहाँ जो है ऐसा काम करने वालों को भांड बोलते थे। अरे यार, तो भांड है, तो नाचने गाने वाले लोग, इनको लोग तो बहुत ही वो। और बड़ी मुश्किल थी कि मैं खुद जो है ना, हमको कोई राइटर नहीं होता, कोई डायरेक्टर नहीं होता था, कोई एक्ट अगर कुछ मैं करना चाहूँ तो क्या करूँ। मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता था, मैं खुद उसको डायरेक्ट करता था, मैं खुद उसमें एक्ट करता था। क्या बात है। हाँ, और वो टाइम पे मेरे यहाँ खास करके वो जबकि मैं बात कर रहा हूँ, को एजुकेशन नहीं था। हाँ। लड़कियों का अलग स्कूल था, लड़कों का अलग स्कूल था। तो जब हमारी स्क्रिप्ट आती तो आप भी जानते हैं कि बिना फीमेल करेक्टर के तो कुछ बात बनती नहीं है। करेक्ट। तो जब लड़की होती या कोई पत्नी बताना या प्रेमिका बताना, तो हमारे लिए बड़े मुश्किल हो जाता था कि मैं क्या करूँ। तो हम स्कूल में ऐसे चिकने लड़कों को देखा करते थे ताकि ये लड़की जैसे लगे, उनको पटाते थे, बड़े मुश्किल से पटते थे वो, तो उनको कुछ जलेबी खिला देना, कुछ मीठा खिला देना, कुछ इस तरह करके उनको किस तरह पटा देते हो, लड़की बनाते थे उनको। तो इस तरह से मैं खुद लिखता था, खुद डायरेक्ट करता था और खुद एक्ट करता था। तो मुझे एक बचपन से मतलब मुझे एक्टिंग का शौक था। आपने रामलीला में भी रोल किए? रामलीला में भी रोल किए। किसका रोल करते थे आप रामलीला में? मैं रामलीला में करता था लक्ष्मण का रोल। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस वक्त जो है ना, मेरे बड़े जो एक फ्रेंड थे वो राम का रोल करते थे, क्योंकि वो अच्छे बड़े सौम्य और बड़े अच्छे दिखने वाले थे,
तो मुझे लक्ष्मण का रोल दिया जाता था। फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट रोल किए और भी अलग 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 तरह के रोल किए, लेकिन मैंने एक्चुअली क्या है ज़्यादातर फिर मैं कॉलेज चला गया। जब मैं कॉलेज में चला गया तो मुझे वहाँ पर उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया, गैदरिंग सोशल गैदरिंग जो होती है उसका सेक्रेटरी अच्छा। बना दिया, जो कल्चरल प्रोग्राम के जो भी अच्छा। होते हैं उसका मुझे इंचार्ज बना दिया जी। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे नाटक किए, और स्पेशली मुझे याद है कि एक नाटक मैंने किया था गुनाह करके, उसमें मुझे बहुत बहुत बड़ा प्राइज मिला था कॉलेज से। और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि भाई अभी जो है तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारी ये जगह नहीं है, या तो तुम पूना चले जाओ या फिर आप मुंबई चले जाओ। वो उस टाइम पे बम्बई बोलते थे, बॉम्बे। इतना मुझे पता है कि प्रोफेसर ने कहा, आपका भी मन था लेकिन परिवार से तो परिवार का बड़ा मुश्किल था कि हाँ। कैसे परिवार को मनाए। लेकिन मेरे बड़े भाई जो है जिनका नाम महफूज खान है जी। उनको मालूम था कि ये जो है भैया ये इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकता है हाँ। समझे, तो उसका बाकी घर के का जो कारोबार था उसमें मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और मेरे जो प्रोफेसर्स और मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो मुझे मतलब एक पूरी छूट दे देते थे, तुम जाओ नाटक करो यार, ड्रामा करो यार, कुछ ऐसा कल्चरल प्रोग्राम करो, स्कूल का कॉलेज का नाम रोशन करो, जो इस तरह से मुझे उन्होंने छूट दे रखी थी। लेकिन घर से मैं बड़ा वो था कि कैसे होगा क्या होगा। तो फिर एक पत्रिका आती थी उस टाइम पे, माधुरी, दैट टाइम, अब वो बड़ी मतलब फिल्मी पत्रिका होती थी, मैगजीन होती थी पूरी वो, उसमें एक इश्तेहार आया था नेशनल फिल्म टेलीविजन का, तो उसको मैंने वो फॉर्म भर दिया था, वो फॉर्म भर दिया था, ऐसे ही भर दिया था, होता था जैसा आया चलो भर देते हैं यार देखते क्या होता है हाँ। तो वो एक्चुअली वो एक एकेडमी थी जिसमें वहाँ पे ये था कि अगर आप कोई एक्टर बनना है, जैसे कि होता है इश्तेहार आते हैं, क्या आप फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, क्या आप कलाकार बनना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भर दीजिए और हमारी एकेडमी ज्वाइन कीजिए। वैसे ही तो था, वो मैंने ऐसे ही भर दिया, रैंडम होता है ना, चलो देखते हैं क्या होता है। अब वो हुआ, भर दिया तो आ गया एक डेढ़ महीने के बाद मेरे को एडमिशन हो गया। नहीं नहीं, मुझे आ गया कि भाई आप यू कैन कम ऑडिशन, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। अब बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि अब क्या होगा। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते जो नाटक के हमारे डायरेक्टर हमको मिल गए थे, तो उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, मिस्टर सुरेश जरकर और मेरे बड़े भाई ने जी। मेरे घर वालों को, माता पिता को बहुत समझाया, और मेरे भाई ने तो यहाँ तक कहा एक थोड़ा सा बम्बई जाके घूम के आ जाएगा थोड़े दिनों में हाँ। टिकट करा देते वो अभी तक घूम ही रहे हैं लेकिन। इस तरह मेरे मदर फादर को, खास करके मदर को समझाया, मदर तो बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो किसी तरह मैं वहाँ से मुंबई से 1975 में मैं बॉम्बे आ गया था। क्या बात है जी हाँ, जिस टाइम अमिताभ बच्चन स्टार बन गए थे जी, ऑलरेडी हाँ, हाँ। बच्चन साहब की फिल्म हो गई थी, शोले रिलीज हुई थी अच्छी तरह मुझे याद है 1975 में अगस्त में शोले रिलीज हुई थी, और उस टाइम पे मेरा एक पहला या दूसरा महीना था जब मैं बॉम्बे आया हुआ था हाँ। तो यहाँ आया, बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था वो पहला दिन। मुंबई में आते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, फिर कहाँ गए, क्या हुआ था ये बताओ, कहाँ से शुरुआत की? ऊपर मेरी मुझे ऊपर से गॉड से बहुत हेल्प मिली, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया ना, तो यहाँ आने के पहले हमारे एक दोस्त थे, वो कह रहा था तुम बॉम्बे जा रहे हो क्या? बोले हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखो ये एड्रेस लिखो, यहाँ मेरे दोस्त रहते हैं बहुत करीबी, बहुत अच्छे, बॉम्बे में चार भाई हैं, चारों बैंक में काम करते हैं और हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ बैंक में, तो वहाँ पर ये कोलाबा में रहते हैं, उनके पास जाओ, तुमको थोड़ा रहने रहने का, थोड़ा चार पांच दिन बॉम्बे घुमाने का, और बॉम्बे क्या है, मुंबई क्या है, ये सब दिखाने में तुमको आसानी हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा सहारा मिला खुशबू जी, और मैं वही एड्रेस लेकर के टैक्सी लेकर के सीधा इंडिया गेस्ट हाउस जो कोलाबा में है, रेडियो क्लब के बिल्कुल बाजू में, ताज होटल के बिल्कुल बाजू में, वहाँ अगर मैं उतरा, और वो चार भाई थे, और लकीली मतलब इतना लकी था मैं इस मामले में कि वो चार भाई चार खाटे थे उस गेस्ट हाउस में, उन्होंने हाँ। पूरा रूम लेके रखा हुआ था अच्छा। जिसमें चार काट थी, तो उसमें दो लोग नहीं थे भाई, बाहर गए हुए थे, गाँव गए हुए थे, दो रहते थे, तो उन्होंने मेरा बड़ा वेलकम किया और मुझे कहा यार तुम आ जाओ, अभी तक जब तक हमारे भाई नहीं आते यहाँ रह सकते हो तुम, तो रहने की जगह मिल तो गई। रहने की जगह मिल गई, और वो मैं उसको भूल नहीं सकता, उनकी डेथ हो गई, नईम नाम था उनका, नईम खान, हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो, उन्होंने मेरे को बहुत बूस्टअप किया, मेरा बहुत मदद की उस अब बस आपको दौड़ भाग करनी, अब मुझे दौड़ भाग करनी थी। फिर वहाँ पे मैं चार या पाँच महीने रहा अच्छा, फिर एकेडमी ज्वाइन कर ली, मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर इस तरह से मेरा एकेडमी शुरू हो गई।
और फिर मेरे भाई ने वहाँ से थोड़ा सा अपने तरफ से हिस्सा करके मेरा वहाँ एडमिशन फीस जो थी वो 2500 रुपये थी उस वक्त थी वो दिया उन्होंने, और इस तरह से मेरे ये एकेडमी चालू हो गई और फिर मेरे दोस्त बन गए। फिर मेरा ऊपर वाला साथ इतना देता रहा ना कि मेरी एक फ्रेंड बन गई वहाँ पर, वो मेरी बहुत हेल्प करती थी। अच्छा। वो भी हाँ वो भी एक्टर बनना चाहती थी, उसने बहुत हेल्प किया आउट ऑफ द वे जाकर मुझे इतना हेल्प किया और इतना बूस्टअप किया, तो एक मॉरल सपोर्ट जो मिलता है वो सब। इस तरह से मैं एकेडमी, मैंने 6 महीने की एकेडमी शुरू की। फिर मेरे जो दोस्त थे सुरेश जरगर, उन्होंने कहा यार एक काम करो तुम, मुंबई में एक बहुत बड़ा थिएटर है, थिएटर ग्रुप, उसका नाम है इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। वो ज्वाइन करने से मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा। क्योंकि वहां से क्या हो गया कि एके हंगल साहब, कैफे आजमी, शबाना आजमी, बलराज सहनी, संजीव कुमार, उत्पल दत्त, ऐसे लोग, एके हंगल तो जानते, रमेश तलवार, रमेश सत्यु, ऐसे ऐसे लोग थे उस थिएटर में जिन्होंने मतलब बुनियाद रखी थी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की। वहां मुझे काम करने का मौका मिला और मेरा पहला प्ले, अब देखिए वहाँ भी मेरी किस्मत ऊपर वाले ने इतना साथ दिया कि उस नए प्ले की एक रीडिंग चालू हुई थी, उसका नाम था एक और द्रोणाचार्य, तो वो बहुत पॉपुलर प्ले था, शंकर शेष का लिखा हुआ, वो उस प्ले की रीडिंग चल रही थी। अब देखिए तो वो इप्टा वाले चाहते थे कि ये जो नया प्ले है ये इसको नए लोगों को लो और इनसे रीडिंग करवाओ, तो मुझसे रीडिंग करवाई गई, तो हर करेक्टर, आज ये करेक्टर करो, आज ये करेक्टर करो, ये करेक्टर करो, तो 4-5 दिनों में मैंने करेक्टर करता रहा और डायरेक्टर ने बोला चलो द्रोणाचार्य का करो, मैं द्रोणाचार्य का किया, तो वो थोड़ा ऐतिहासिक था, है ना, मैथोलॉजिकल था ये सब, तो वो मैंने किया तो वो खुश हो गए, बोले यार तुम यही करो। तो इस तरह मैंने पहला मुझे प्ले मिला एक और द्रोणाचार्य, उससे मैं थोड़ा थिएटर में मेरी धाक जम गई, थोड़ा अच्छा हो गया, अच्छा कर दिया, तो लोगों को बहुत पसंद आया, थिएटर में आ गए, जिन लोगों के बीच में रहना चाहते थे वो लोगों से मिलना हो गया, जो काम करना चाह रहे थे वो हो रहा था, लेकिन थिएटर से पैसा तो नहीं आता है। तो प्रोफेशनल तो था ही नहीं, तो वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वहाँ से दोस्ती बनी, और वो इतना हेल्प करते, जैसे एक हंगल साहब थे, मतलब वो सब आर्टिस्टों का बहुत हेल्प करते थे, किसको क्या है ये, वो सब। हमारे एक दोस्त है सुभाष डंगायच, एक हमारे से करीम जुल्फा साहब जिनका भी एक पॉपुलर मिल्क सेंटर था, वहाँ जाके हम लोग खाना खाते थे, चाय पीते थे, तो हेल्प मुझे चारों तरफ से मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने मदद किया, सब कुछ किया। लेकिन थिएटर से मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि उस वक्त पृथ्वी थिएटर में डायरेक्टर्स जो है वो नाटक देखने आया करते थे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो इस्माइल शरॉफ आए, वो तो आपने देखा पृथ्वी थिएटर, बहुत फेमस थिएटर है और बहुत ही खूबसूरत थिएटर है जो शशि कपूर साहब ने बनाया था, वहाँ अक्सर हमारे नाटक हुआ करते थे। तो मेरा एक प्ले था वो देखने आए, और उसके बाद वो फिल्म बना रहे थे थोड़ी सी बेवफाई, तो उसमें मुझे इस तरह से काम मिला, थोड़ी सी बेवफाई उन्होंने बुलाया, उसको बोल दिया। सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ जब सलीम साहब प्ले देखने आए, जी सलीम खान, सलमान खान के फिल्म की थी नाम, महेश भट्ट के लिए, और वो नाम जो है बहुत नाम किया उसने। अब वो प्ले देखा उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि सलीम साहब प्ले देखने आए, लेकिन मेरे जो प्ले के डायरेक्टर थे रमेश तलवार, वो भी बहुत बड़ा नाम है, वो एक्चुअली उन्हीं की वजह से प्ले देखने आए थे। तो नेक्स्ट डे ही टोल्ड मी कि यार सलीम साहब सॉ योर प्ले एंड ही लाइक्ड योर परफॉर्मेंस वेरी मच एंड ही हैज़ आस्क्ड फॉर यू एंड ऑल दैट। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ हाँ बोले उन्होंने बुलाया आपको। और नेक्स्ट डे आई वेंट टू सलीम खान साहब, क्या क्या बातें हुई उस दिन मीटिंग में सलीम साहब से। अरे सब, जब मैं सलीम साहब के बेल बजाया तो सर्वेंट आया, मैं अपना नाम बताया मुश्ताक खान, मैंने कहा सलीम साहब, फिर वो अंदर गया, उसने बोला कि सर कोई मुश्ताक खान आ रहा है, हाँ बुला बुला उनको, मैं अंदर गया, फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, अब बोला यार जनाब आप बहुत अच्छे एक्टर हो और मैंने आपका प्ले देखा, अच्छा लगा। मैंने बोला रमेश जी को, बोले बिल बोल भेजना इसको। मैंने कहा सर मैं आपका नाम सुन के इतना खुश हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ, अरे नहीं नहीं आप अच्छा एक्टर हो और ऐसा है वैसा। फिर उन्होंने बोला भाई चाय लेके आओ, फिर उन्होंने चाय वाय पिलाया, बैठे सब, और उन्होंने देखो अभी तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता तुमको, लेकिन मुझसे मिलते रहा करो और देखते क्या हो सकता है। तो बस मैं मिलते रहता था उनसे, 10-15 दिन वो गया, ये किया वो किया, तो एक दिन मुझे बोलता है यार अच्छा हुआ तुम आ गए,
एक फिल्म लिख रहा हूँ मैं महेश भट्ट के लिए, उसमें एक रोल के लिए तुम्हारे लिए बात किया मैंने, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई सेड ओह आई वाज इन द स्काई लाइक दिस, मैंने कहा महेश भट्ट सर प्लीज प्लीज को, नहीं नहीं मैंने बात कर लिया, बोले आप जाइए उनसे मिल लीजिए, एंड आई वेंट टू सेट ऑन द सेट ऑफ कब्जा दैट टाइम ही वाज मेकिंग विद संजय दत्त, अमृता सिंह, राज बब्बर एंड ऑल, परेश रावल और सब. तो मैं गया भट्ट साहब से मिला, भट्ट साहब बोले हाँ भाई आप, मैंने कहा मैं मुश्ताक खान, हाँ तो क्या करूँ मैं मैंने कहा मैं मुश्ताक, हाँ हाँ ठीक है मुश्ताक खान, मैं क्या करना क्या है आपका तो मैंने कहा नहीं मेरे मुझे सलीम साहब ने पूछा, अच्छा आप हैं मुश्ताक खान, अच्छा 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 थिएटर करते हैं आप, अच्छा काफ़ी तारीफ कर रहे हैं सलीम साहब आपकी. भाई देखो यार अभी तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे वो जो एक देख रहे हो वो मोटा आदमी रॉबिन भट्ट नाम है उसका, और उसके बगल में जो एक आदमी जो ऐसा खड़ा हुआ है वो मेरा छोटा भाई है मुकेश भट्ट, उनसे मिल लो आप और नंबर नंबर दे दो उनको, और मेरे पास उस वक्त नंबर भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं, और ये सेल फोन तो था ही नहीं, मेरे पास एक्चुअली वो लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था. अच्छा हाँ, तो मैंने एक किराने की दुकान थी जहाँ पे हम लोग किराना लिया करते थे, उससे रिक्वेस्ट किया था कि यार तुम्हारे नंबर में यूज़ कर लूँ क्या और मैं तुमको पैसे दूंगा, तो एक पर मैसेज 1 रुपीज था वहाँ पे. अच्छा हाँ, वो नंबर मैंने उनको दिया. हाँ. मैंने कहा सर ये है मेरा रिक्वेस्ट नंबर. हाँ. है कभी जरूरत पड़े तो मैं ठीक है बोले हम कर लेंगे. और 50 डेज आई गॉट फोन कॉल जब मैं दुकान पे गया उसकी. हुँ. बोले आपका मैसेज आया हुआ. हुँ. तो देखा मैं अरे रॉबिन भट्ट मुकेश भट्ट. मैं गया एंड फिर मुझे रोल सुनाया गया, एक रोल था जो भी था छोटा सा था, एक आध कोई सीन बहुत अच्छा हो गया, भट्ट साहब को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे नहीं छोड़ा. वही मैं कहने वाली थी कि भट्ट साहब के प्रोडक्शन की भी ये बड़ी फिल्म थी, ये फिल्म बहुत बड़ी बनी, और शायद तब से भट्ट साहब ने मान लिया कि ये बंदा मेरे लिए लकी है, तो उसके बाद उन्होंने आपको बहुत सारी फिल्मों में जी 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 उसके बाद देखिए कब्जा में दिया, उसके बाद एक और फिल्म बनाई थी स्वयं जिसमें वहीदा रहमान थी, आकाश खुराना थे, उसमें उन्होंने एक छोटा सा मेरे को टेलर मास्टर का रोल दिया, वो टेलर मास्टर का रोल जो था ना वो उन्होंने देखा अरे साला ये तो जब हमें राय प्यार की बनी ना तो मैंने कहा ये रोल तुमको मिश्रा जी का दूंगा. इसके बाद आपने जो कब्जा फिल्म थी इसमें संजय दत्त भी थे, संजय दत्त के करियर की भी ये बड़ी फिल्म साबित हुई क्योंकि वो रिहैब से आए थे, बहुत कुछ पर्सनल लाइफ में झेल के और वापस एक सीरियस एक्टर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, और भट्ट साहब भी जो पर्सनली अब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तब तक वो दूसरे प्रोडक्शन के लिए कर रहे थे, ये फिल्म उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी, तो ये फिल्म बहुत बड़ी बनी और वहाँ से भट्ट साहब ने आपको पकड़ लिया कि आप उनके लकी मैस्केट है. क्या कभी उन्होंने आपको कहा कि यू आर माई लकी मैस्केट, कि आपके बिना मैं भट्ट साहब जो है ना वो बहुत इतने जाने और इतने इंटेलेक्चुअल है वो कि उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ा कि एक तो हर फिल्म में उन्होंने उनकी कम से कम मैंने 15 फिल्में की. yes. आपने देखा होगा अब राइट फ्रॉम द कब्जा, स्वयं, गुना, दिल है के मानता नहीं, आशिकी, yes. जुनून, yes. हमें राय प्यार, yes. के सर, हाँ. मिलन, सातवां आसमान, हाँ. नाराज और क्या सड़क, साथी, मिलन, क्या बताऊँ मैं बहुत सारी फिल्में उनके साथ मैंने किया और हर फिल्म में उन्होंने मुझे एक डिफरेंट रोल दिया. ये इतना मुझे चाहने लगे थे वो कि जब किसी फिल्म में या जो फिल्म है हर दिन तो मेरा शूट होता नहीं था तो पता चला वो देखते थे तो मुझे अचानक फ़ोन आता था कि अरे भाई, फिर मुझे मैसेज मिला, मैंने कहा क्या हुआ, बोले भट्ट साहब याद कर रहे हैं आपको, तो मैंने कहा चाचा यार मेरे का शूट है, मुझे लगा शूटिंग होगी है ना, शूटिंग के लिए बुलाए होंगे. फिर जब मैं गया ना उनसे मिला, क्या भैया क्या तुम आते नहीं, मिलते नहीं यार, मतलब बहुत ही मतलब ही याद है तुम्हें यार है? मतलब जब तुम्हारी शूटिंग होगी तभी आओगे तुम, नहीं तो नहीं आओगे. देखो अगर तुम नहीं आओगे तो रोल नहीं मिलेगा फिर तुमको यार, समझ रहे हो तुम, तो वो इससे वो चाहते थे कि मैं रोज आऊँ सेट पे. करेक्ट हाँ, तो मुझे चाहने लगे थे और मुझे वो चाहते थे कि हमेशा. अच्छा क्या था कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी, मैं हिंदी बैंड से था तो हिंदी और उर्दू मेरी दोनों अच्छी थी, तो वो और वो जबान की भी होती ना बात कि भैया आज यार एक आर्टिस्ट आपको मिल रहा है समझे ना, और वो जो थोड़ा हिंदी का भी थोड़ा जानकार है, तो वो उसके बाद उन्होंने मुझे जो सीन्स आते थे राइटर लिख के आते थे ना उसमें भी मुझसे मदद लेना शुरू कर दिया था, यार तुम मेरे को समझाओ यार ये समझ में नहीं आ रहा है ये हिंदी का. अच्छा। तो क्या ज़्यादातर हमारे जो एक्टर्स होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं ना, तो वो हिंदी के बारे में उतना ज़्यादा उनको ध्यान नहीं होता. बट क्या था कि मैं हिंदी बेल्ट से था, मध्य प्रदेश का रहने वाला, और मैंने हिंदी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था तो हिंदी में मैं काफ़ी अच्छा था, तो वो भी मेरे से इसीलिए भी मुतासर होते थे, वो तो बहुत पसंद करते थे, अपने साथ रखते थे, हर फिल्म में काम तो देते ही देते थे,
लेकिन बहुत मज़े, और उनकी वजह से, उनकी फिल्मों से, खास करके आशिकी जुनून आपने देखा होगा, सड़क, सड़क में भी आपको एक बहुत ही दमदार रोल दिया, और कहानी भी अच्छी थी। जी, 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 सड़क की मैं बात करूं, सदाशिव अमरापुरकर इस फिल्म का हिस्सा थे, और उनके करियर का वो बेहतरीन रोल था, ट्रांसजेंडर का उन्होंने किरदार निभाया था। कैसी मेमोरी थी उनके साथ काम करने की? बहुत अच्छी। एक तो मैं बताऊं, सदा जी जो थे वो एक तो एक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ही सिंपल एक्टर थे, डाउन टू अर्थ थे। एक्चुअली ही वाज आल्सो फ्रॉम द थिएटर, मालूम आपको, वो थिएटर से थे, और उनकी जो पहली फिल्म थी अलसद, आपने देखा होगा, वो तो कमाल फिल्म थी, और वो उनको देख के लगता था कि ये वाकई साउथ इंडियन है, लेकिन एक्चुअली ही वॉज महाराष्ट्रियन, मराठी पीपल। तो बहुत अच्छे थे, और उनको देख करके बहुत मज़ा आता था जब वो परफॉर्म करते थे, बड़े डाउन टू अर्थ थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत जल्दी वो चले गए, और जब उनकी डेथ हुई थी तब बहुत ये था, बहुत दुख हुआ लोगों को कि इतना बड़ा एक्टर, जी, जी, जी। और फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं गया था उनके फ्यूनरल में। नहीं, एक्चुअली उसका क्या था खुशबू जी, मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं ना, इवन माई सेल्फ, मैं भी ना बहुत ज़्यादा ये इसमें जाते नहीं हम लोग, मतलब यू नो, अपने आप को ग्लोरीफाई करने वाली बात होती है, जैसे उसी तरह वो भी थे। वो उनका क्या था कि उन्होंने अपना काम किया, है शूटिंग खत्म की, अब उनको बोलोगे यार यहाँ पार्टी है, यहाँ ये है, वो तो बोले नहीं सर, सॉरी, नेटवर्किंग नहीं करते। तो नेटवर्किंग और वो जो होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही अलग ही रहते थे, अलग ही उनकी दुनिया थी। जब उनसे हम बात करते थे थिएटर की बात करते थे, कुछ और ही बात करते थे, तो वो उस मिजाज के नहीं थे, वो उनकी वो फितरत नहीं थी, अननेसेसरी किसी को प्लीज करना, जबरदस्ती दोस्ती रखना, वो सब नहीं। तो लाइमलाइट में आने के लिए होता है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट चले गए, ये किया वो किया, वो उस तरह के वो नहीं थे, इसलिए, और रिजर्व भी रहते थे, अपने आप में रहते थे, हर किसी से वो नहीं होता था उनका। महारानी का जबरदस्त किरदार था। और ज्यादातर जो ना, अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना, इधर उधर की बातें नहीं करना, और वो काम से ही जाने जाते हैं। जी जी, मेन चीज तो वही होती है। हमें राही प्यार में मिश्रा जी का किरदार, जी जी जी, आपको क्या फीडबैक दिया, मतलब क्या इनिशियली बताया था आपके कैरेक्टराइजेशन के बारे में कि आपका ये रोल है, और उसके लिए तैयारी कैसे की कि मैं इस तरह से बात करूंगा, ऐसे झुकूंगा, पैंट को ऐसे से खिसकाऊंगा, मतलब कैसे डिजाइन हुआ ये कैरेक्टर? या वो देखिए, जब ये रोल हुआ तो देखो भैया बोले आपको भट्ट साहब ने बुलाया, तो भट्ट साहब कैसा आता है, ऐसा इस तरह से बात कर, देखो भैया ये हम आपको बहुत ही कमाल का रोल आपको दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और आप इसको कैसे करेंगे? अब हमने तो आपको करेक्टर बता दिया, ये है कि भैया ये मैनेजर है, और ये 4 साल जो है जापान में रहा हुआ है, ये इसकी USP है, और ये बार बार जो है ना उसको दोहराते रहता है, और उसको फक्र में तो ही इज प्राउड ऑफ दैट कि यार मैंने जापान में 4 साल जो है ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, ये आपका वो है, और उससे यूर द, और आप बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही ईमानदार, सच्चे आदमी हैं। तो बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, क्या स्टाइल, क्या करना, वो आपको करना है, वो आपको करना। अब हमने सोचा कि क्या किया जाए इसमें, चलिए ठीक है, करेक्टर उन्होंने बता दिया, इतना बता दिया कि बिहार से आया हुआ है। अच्छा, तो हमने कहा बिहार से आया तो बिहारी ले लिया। हाँ जी, ठीक है। अब क्या था कि अब इसको क्या करें, कैसा करें, ये तो थोड़ा हमने मैनेजम बताया, आपने देखा होगा कि मैं इसको हमेशा ये मेरा मैनेजम रहता था, ये वाला, ये हाथ मेरा यहाँ रहता था कमर में, और ये ऐसा झुका हुआ, कैसे बात करते हैं आप, 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कह सकते हैं? देखे राहुल बाबू, हम झूठा नहीं हो, समझा ना, हम सच्चा आदमी हो, हम बेईमान नहीं हो सकता हूँ, हम गलत हो सकता हूँ लेकिन बेईमान नहीं हो सकता हूँ, हम बुद्धू नहीं हो, हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूँ, इस तरह का हमने वो उसको एक एक्सेंट लिया बिहारी का। अब ये जो हमने जो लिया है जो देखता, तो जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मुझे अचानक याद आया, तो हमारे एक गुरुजी थे, गुरुजी क्या कैसे कह सकते हो उनको, मास्टर जी या जो 8th क्लास में पढ़ाते हैं, लेक्चरर जो भी है, टीचर। तो वो जो थे ना 7th या 8th स्टैंडर्ड में, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अपने पैंट में बेल्ट नहीं बांधते थे, समझे, तो उनकी जो पैंट है ना वो बार बार नीचे चली जाती थी, बहुत से लोग आदत होती है पता नहीं क्यों, तो वो पैंट को ऊपर चढ़ाते रहते थे, तो ये करते थे ऐसे, अच्छा, नीचे ना चली जाएगा, अच्छा, तो हमेशा ये करके चले, ऐसा करके चला जाते, तो हमने वहां से वो पकड़ा। मेसराम नाम था उनका हमारे टीचर जो थे, तो वो ये हमेशा, तो हम ये देखते थे, तो हम लोग उनको चढ़ाया करते थे, सर जी पैंट, तो फिर ऐसा कर देते, सर जी पैंट, तो ये वहां से हमने वो ले लिया, उसको मैनेजम ले लिया, और ये कर लिया, लैंग्वेज हमको मिल गई थी, समझे ना, और जो आपने देखा फिर वो स्टार्टिंग में झुक के फिर अपना डायलॉग बोलना, वो तो अपना जैपनीज जो आते हैं, क्योंकि हम जापान रिटर्न थे, समझे,
तो वो टाइम पे ये लैंग्वेज भी उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, मतलब ये एक्सेंट जो था बिहारी का एक्सेंट है, उसके बाद तो खैर काफी लोगों ने उसको किया, बिहार 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 बिहार, वो सिर्फ मतलब जो है भोजपुरी फिल्मों में यूज होती थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में लोगों ने बहुत कम यूज किया, तो उसका हमको बेनिफिट मिल गया, समझे ना। और एक एक्साइटेड होता है वो क्या ना कि भाई जैसे आपने देखा फिल्म में बड़े अच्छे से सीन लिखे थे उसमें, तो देख लिया कि 1 लाख कॉलर का ऑर्डर मिला तो 1 लाख कॉलर बना लिया सिर्फ, और कपड़ा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, एकदम आमिर खान का डांटना ये, फिर बच्चों के पास जाना ये सब। बट ये था खुशबू जी कि किसी भी फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी होता है अपने करेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, अदरवाइज क्या होता है बहुत अच्छा काम करते हैं कई फिल्मों में लेकिन पता नहीं चलता, जस्ट लाइक जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी बात है। तो फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है। दैट टाइम जब ये हमें राय प्यार के रिलीज हुई थी उसी वक्त सर फिल्म भी रिलीज हुई थी अगर आपको याद होगा, और दोनों फिल्म भट्ट साहब की थी। तो जब दोनों फिल्म कंप्लीट हो गई थी रिलीज के लिए तो भट्ट साहब ने और बाकी सब लोगों ने ये बोला था देखो भैया ये जो फिल्म है सर ये बहुत जबरदस्त फिल्म बनी है, समझे ना, तो इसको पहले रिलीज करते हैं और उसके बाद हमें राय प्यार को रिलीज करते हैं तो उसका फायदा जो है हमें राय प्यार को मिलेगा। ये पूरा इनका गणित था कि भाई ऐसा करेंगे, तो सब लोगों ने बोला ठीक है। हालांकि आमिर खान थे, जूही चावला थे, लेकिन वो फिल्म बड़ी बना रहे थे क्योंकि नसीर शाह, परेश रावल, पूजा उस वक्त स्टार हो गई थी, तो और वो समझते थे कि ये फिल्म जो बनी वो अंडरवर्ल्ड पे है, गैंगस्टर पर है, तो ये ज्यादा लोग लाइक करेंगे उसको, और वो फिल्म बनी, अच्छी भी बनी और चली भी। तो इन्होंने हमें राय प्यार को रोक दिया। फिर हम जब ये फिल्म देखने गए थे सर मिनर्वा थिएटर में, तो अच्छी तरह याद है आपको, मालूम पहले जब ऐसा होता था तो इंटरवेल में जो है ना ये चलता था, ट्रेलर चलता था। अच्छा हाँ, तो जब इंटरवेल में हम जब आए हम चाय पीने के लिए, तो हम राइटर के साथ गए हुए थे, दीक्षित साहब के साथ, तो हमने देखा कि इंटरव्यू में लोग भाग रहे हैं अंदर, अब के बाद जल्दी जल्दी भाग रहे हैं जल्दी, तो हमने स्टार वाले से पूछा यार ये भाग क्यों रहे हैं कहाँ। अरे सर वो आजकल वो नई फिल्म आने वाली है ना हमें राय प्यार के, उसका उसका गाना चलता, ट्रेलर चलता, वो गाने में बोले धूम मचते, ऐसा क्या, मतलब हम भी भागे अंदर। आप बिलीव करेंगे तो जब आप अंदर गए ना तो ट्रेलर चल रहा था हमें राय प्यार के का, और उसमें हम भी हैं, है ना। तो वो जो गाना आया ना घूंघट की आड़ में, घूंघट की आड़ से दिल भर का, वो गाना, वो गाने पे पब्लिक मतलब मतलब कूद रही है, नाच रही है, पैसे विस्लिंग और ऑल दैट। अरे हमने कहा यार ये तो फिल्म बहुत बड़ी हिट है, सर ने ये पहले नहीं जी थी। और वही हुआ, खुशबू जी आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट वीक हमें राय प्यार की रिलीज हुई and it was surplus, yes. सर के ऊपर से निकल गई। सही बात है। तो वो ऐसा होने से क्या हो गया कि अब हमें राय प्यार के मेरा कॉमेडी रोल था, सर में मेरा गैंगस्टर का रोल था, नेगेटिव रोल था जिसमें मैं गर्दन काटता हूँ ये वो सब बढ़िया टाइप का। तो हालांकि वो सर वाला रोल भी जबरदस्त था, बहुत अच्छा रोल था, थोड़ा सीरियस रोल था, बट ये फिल्म ज्यादा चल गई। तो फिर वो हर फिल्म में अपने जो करता है टाइपकास्ट हो गया उस तरह का, मेरे को फिर उस तरह का। आमिर खान के साथ आपने काम किया, आमिर खान जो है बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और फिल्म मेकिंग की भी बहुत समझ रखते हैं, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर भी वो रह चुके थे उससे पहले। तो जिस वक्त भट्ट साहब के साथ काम किया तो क्या दोनों के बीच कुछ ऐसे सीन्स को लेकर टकराव होता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बिकॉज आमिर खान अपने एंगल से भी सीन्स देखते हैं। आमिर खान of actor, I'm telling you, because जो आमिर खान को मैंने देखा है जी, इतना जुनूनी yes. और इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक sacrifice करना मतलब हर चीज का, एकदम खुश जाना, किसी की भी फिल्म हो उसका प्रोड्यूसर कोई भी होने दो, इफ आमिर खान इज देयर ये समझ लो कि वो तो छोड़ेगा नहीं, एक भी सीन को छोड़ेगा नहीं। उसने यही हमें राय प्यार के लिए किया, मतलब हर जगह अब उसका इंटरफेयर होता है। वो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर इज देयर बट विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर, उस आदमी ने मतलब पूरी जान लगा दी हर फिल्म में करता हूँ, ऐसा नहीं कि हमें राय प्यार के में किया। किसी फिल्म का कोई सीन अगर आपको याद हो कि यार इस सीन से पहले आमिर ने बिल्कुल अलग ही कहानी, मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत छोटे कम समय में सुनाता हूँ मैं। एक फिल्म मैंने उनके साथ किया अकेले हम अकेले तुम, मैं उनका लॉयर था yes. परेश रावल जो थे वो मनीषा कोइराला का लॉयर था, राइट। कोई एक ऐसा पॉइंट था जो कि आमिर को अच्छा नहीं लगा जो मैं जज को बोलता हूँ, तो उन्होंने डायरेक्टर मंसूर खान को बोला कि यार ये
क्या जो पॉइंट आप कह के बोलना चाहेंगे? नहीं, एक कोई मनीषा के खिलाफ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा। जो कि वो उन्होंने कहा यार ये पॉइंट ठीक नहीं है, ये इसमें मेरा केस लूज हो जाएगा। अच्छा। ये इसको हम थोड़ा सीन चेंज करते हैं। तो क्या बात है? हाँ, तो हालांकि वो मुझे बोलना था, आमिर खान तो बैठे हुए हैं समझे कटघरे में जो भी है। तो मंसूर खान ने बोला आमिर यार टाइम नहीं है, अभी सीन लिख जा लिखा जाओ, राइटर यहाँ पर है नहीं, अब कर लेते हैं ना सीन। तो बोले नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सीन, दिस सेट कर लेते हैं, तो कर लो चलो। कर लिया उन्होंने, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। 6 बजे पैकअप हुआ, घर पहुँचे, मैं भी अपने घर पहुँचा, मुझे फ़ोन आता है घर, मैंने कहा पहुँच गए, कितने बजे सोते हैं? मैंने कहा 10:30-11 बजे। वो वी गॉट द पॉइंट, वो जो सीन की बात कर रहे थे बोले वी गॉट द पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है, वी आर राइटिंग द सीन। मैं अच्छा? मैं चाहता हूँ कि आप वो सीन पढ़ लें। मैंने कहा ठीक है सर, कल कर लेंगे, कल है ना शूट। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज आप वो सीन को देख लें एक बार। अच्छा। ताकि आप समझ में आ जाएगा कि सीन तो आप मतलब यू मस्ट बी रेडी, प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए सीन भिजवा दीजिए। नहीं मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने कहा मैं आ जाऊँ? बोले नहीं आप मत आओ, आप मत आओ, मैं आता हूँ। अरे मैंने कहा आप कैसे आओगे यार, आप मत आओ, आप ऐसा करो साइड सीन लिख लिया, आपके ड्राइवर को मैं पूरा एड्रेस देता हूँ, वो मेरे को सीन दे देगा, मैं पढ़ लूँगा। इस तरह से मैंने ड्राइवर को समझा दिया पूरा कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ आकर मुझे सीन दे जाना। वो कोई बात नहीं। कट टू, मैं अपने घर पर खाना वाना खाया, सो गया 10:30, 11, 12 बज गया। मैंने कहा ठीक है कौन आता है, कल सुबह मिल लेंगे, जाके सो गए। 10 मिनट के बाद रिंग हुई, तो मैंने कहा आ गया ड्राइवर, आ गया सीन लेकर के। मैं दरवाजा खोला, मैंने कहा लाओ सीन दो। मालूम है ड्राइवर ने क्या बोला? क्या बोला? साहब आए नीचे खड़े। अच्छा, आमिर खान खुद आए? आई स्वेयर। और मैं मॉडल टाउन 4 बंगला में रहता था, वन रूम किचन में दैट टाइम, मेरे पास अपना बड़ा फ्लैट भी नहीं था। यू वोंट बिलीव। क्या बात है? मैंने क्या बात कर रहे हैं? बोले सीधे नीचे खड़े हुए, तो राइटर के साथ वो नीचे मेरे वो जो गेट में जो लाइट होता है लैंप पोस्ट उसमें वो खड़े हुए थे, हैंडकर पहन करके ऐसे। मैंने कहा आमिर भाई यार आप घर में बच्चे सो आई आई नहीं नहीं नहीं, नहीं घर नहीं जाना, बोले आप आई। वहीं खड़े होकर के उन्होंने पूरा सीन पढ़ के सुनाया 1.5 पेज का, और मुझे बोला ये आपका सीन है, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा सीन। इस तरह का आदमी, मतलब सिर्फ अपने किरदार की ही नहीं ना, जो और वो सीन पूरा मेरा था। क्या चल रहा है उसका, वो सीन मेरा, वो पूरा सीन मेरा था। उसमें तो आमिर बैठा हुआ है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है, हमें राय प्यार के में भी वो आदमी जो सीन की बात करता था, सीन को अच्छा बनाने के लिए, वो नहीं कि मैं मेरा करेक्टर ऐसा हो जाए वैसा। हाँ, हमारे करेक्टर में थोड़ा लगे तो बोले मुसाक साहब ऐसा कर लो। हाँ, जूही तू ऐसा कर ले। हाँ, ऐसा होता था। क्या बात है। तो ऐसे भट्ट साहब के साथ आमिर खान ने इनिशियली काफी फिल्में की, और आप भी उन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आमिर खान ने भट्ट साहब के साथ काम करना बंद कर दिया था। क्या कुछ इशू हुआ था, या क्या क्लैशेस बहुत ज्यादा होने लगे कि भट्ट साहब आमिर को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये भट्ट साहब के साथ देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने दिल है कि मानता नहीं किया, जिसमें आप बस कंडक्टर का रोल करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ये किया, और कौन सी फिल्म थे, एक आध और थी शायद, बस से ज्यादा नहीं। वैसे भी मतलब उसके बाद तो आमिर जो अपने खुद के प्रोड्यूसर हो गए, और बाकी बाहर की फिल्में करने लगे वो लोग। बट ये था कि आमिर ने जो भी काम किया बड़ी ईमानदारी से काम किया, और जैसे आप इसलिए तो उनको परफेक्टनिस्ट कहते हैं। जी, तो हमने काफी एक्टर्स से आमिर खान के लिए सुना है कि मतलब अगर डकार भी लेनी है तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे ओरिजिनल डकार के लिए, वो इस तरह के एक्टर हैं, तो इसीलिए उनके बारे में जानने की ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत अच्छे, बहुत माइन्यूटली देखते हैं। बहुत माइन्यूटली काम करते हैं वो, बहुत सोच समझ के करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सीन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। वो लालच में नहीं है कि मैं अच्छा दिखूं या मेरा काम अच्छा हो, वो बिलीव नहीं करते हो। मुश्ताक जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करने में। 90s में हर दूसरी फिल्म का आप हिस्सा थे, किरदार करते रहे, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया। फिर आती है एक फिल्म वेलकम, और उस फिल्म का एक सीन बहुत वायरल होता है। बल्लू का किरदार हॉकी स्टिक लेकर चलता है, और एक ही लाइन जो है पूरी फिल्म में बोलता है, लेकिन बहुत हंसाता है हर बार जितनी बार। क्या कहानी है उस सीन की और उस किरदार की? उस एक लाइन की कहानी जो है बड़ी दर्दनाक है। जी सही होता, इसलिए दर्दनाक है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 8 से 10 दिन की शूटिंग। तो बड़ी फिल्मों की शूटिंग कैसी होती है मालूम है? एक सीन अगर दिन में कर लिया बहुत बड़ी बात। 8 से 10 दिन तक सीन हो रहा है, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, और ये बल्लू जो है ऐसा करके इधर खड़ा है, कभी इधर खड़ा है, कभी उधर खड़ा है। फिर मैं रात में जब होटल में जाता था तो सोचता था मैं क्या कर रहा हूँ,
सिर्फ खड़े रहना है, डायलॉग्स नहीं है, नहीं कुछ। अच्छा, क्योंकि यहाँ से मुझे बोला था अनिश भाई, क्या है देखो अनिश भाई ने मुझे हर फिल्म मुझे काम देते थे। हाँ। अनिश भाई की मैंने एक फिल्म की थी प्यार तो होना ही था, अनिश भाई की मैंने फिल्म की थी गोपी किशन जी, अनिश भाई की मैंने फिल्म की थी हम दो हमारा एक, अनिश भाई की मैंने फिल्म की थी सैंडविच, अनिश भाई की फिल्म की राधे श्याम सीताराम जो बनी नहीं जिसमें सुनील शेट्टी और वो थे ऐश्वर्या। तो चलो ठीक है, तो हमेशा जब भी आप बोलते थे मैं पूछता इनका रोल क्या है, तो जब ये फिल्म बनी तो हुसैन भाई ऐसा है कि ये फिल्म हम कर रहे हैं वेलकम, इसमें आपको आना है काम कर रहे हैं। अच्छा 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 रोल तो बता, अरे अच्छा रोल है यार, चलो अभी क्या बता रहा, चलो एग्रीमेंट करो। तो इस तरह हम चले गए दुबई। अब दुबई 10 दिन तक इधर खड़े खड़े इधर खड़े इधर खड़े, रात में नींद नहीं आ रही, यार क्या हो क्या रहा यार, खड़े खड़े खड़े। तो हमने फिर एक दिन टाइम मिला तो हमने अनिश भाई को पूछा, अनिश भाई हाँ बोलो भाई, मैंने कहा भाई 8 से 10 दिन हो गए शूटिंग कर रहे हैं। बोले हाँ भाई बड़ी फिल्म है। मैंने कहा इतनी बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन भाई मेरी समझ में रातों में सो नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, क्या हो गया? मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं ऐसे खड़ा रहूँगा क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे यार मुस्ताफा भाई आप यार इतनी फिल्में मेरे साथ कर चुके हैं, कहीं मैंने आपको मायूस किया है, निराश किया है? मैंने कहा नहीं भाई, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैं परेशान। बोले भाई इस्टेब्लिशमेंट है, अभी जब आपका करेक्टर आएगा, जब सीन्स आएंगे ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर यार। उन्होंने फिर मुझे एक धड़स दिया ये किया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या करने वाले हैं। अरे यू वॉन्ट बिलीव, जब पहला सीन मेरा ये हुआ, जब अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और बहुत सारे लोग जो है कैटरीना कैफ और ये सब वहाँ पर, जो पहला मेरा जो हुआ और जब उन्होंने बताया कि सर ये है आपका, तो चलो ठीक है करते हैं, कैसा करें कैसा करें कैसा करें, कैसा करोगे इसको, किस तरह बोलोगे? तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा करेक्टर है जहाँ पर कि नाना पाटेकर को किसी को डराना होता है, किसी को धमकाना होता है, तो वो खुद नहीं बोलता होता ना, ए बता मेरा क्या है, पता मेरे बारे में बता जरा, इसको समझा जरा मेरी कहानी क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या, इस तरह का होता है ना, बहुत से करेक्टर होते हैं। तो वो जब उसको गुस्सा आता है, अरे मैं क्या करूँ इसका क्या करूँ मैं, बता बल्लू बता मैं, जब मुझे गुस्सा आता है तो बता क्या होता है, उसके बाद फिर वो शुरू करता है। तो मैंने कहा ये डायलॉग अगर इसको एक ही पैटर्न रखते हैं, तो जब भी ऐसा बोलेगा तो एक ही तरह से बोलेगा, और ये मतलब मोनोटोनस होना चाहिए लाइन, इसका कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस वो जैसा होता है ना टेप आपने ऑन कर दिया तो धक चला खत्म, फिर वहीं से शुरू हो गया, फिर वहीं से शुरू हो गया, बस 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 इतना ही था। तो इस तरह से वो, मैंने कहा एक तोता रट जो होता है ना, याद हो गई लाइन है, उसको यही बोलना है, इसको यही बोलना है, उसको मालूम है, उसके पहले कई बार बोल चुका है ये कि जब भी इन्होंने बोला बता बल्लू एंड बल्लू स्टार्ट, मतलब वो स्विच जो है उसने रख दिया रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड शुरू हो गया, धक 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 ऐसा 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 ऐसा, दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, घर में बच्चों ने किया वापस रह दिया, वापस घर तक छोड़ के बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौना, ये वो सब, बस बस बस। तो अब वो क्या था, सिचुएशन ऐसी होती थी, सिचुएशन ऐसी होती थी ना, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा वो, कि यार ये कमाल करेक्टर है वो, जहाँ भी कुछ बदल। और कई एक दो सीन आपने देखा होगा जहां पर कि वो बात नहीं है, हाँ। वो कहता है बता बल्लू, तो मैं शुरू, अबे वो नहीं, हाँ। बताइए क्या हुआ। तो वो एक करेक्टर बहुत अच्छा बन गया। अच्छा मैंने सोचा नहीं, द फ्रेंकली स्पीकिंग, अब मेरे साथ में जो बाकी जो दोस्त लोग थे ना, उनके जो करेक्टर्स थे, तो वो और बाकायदा करेक्टर्स थे ना, लाइनें ये वो फलाने का, मुझे लगता यार ये रोल मुझे मिल जाता वो रोल, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये रोल इतना लोगों को पसंद आएगा। आज डिजिटल मीडिया में इस रोल के इतने मीम्स, इतने जोक्स, इतना शेयर होता है, आज की जनरेशन भी इस सीन को देख देख कर बहुत हंसती है, मजा आ जाता है उस सीन को देख कर। मुझे तो मतलब मैंने तो एड फिल्म भी किया है इसके, 2-3 इसी करेक्टर, एक नाना पाटेकर के साथ ही किया, एक कोई फोन है शायद, कुछ सेल फोन है उसका किया जी। और एक और मैंने अभी एक और किया उसका, वो करेक्टर वही उनको चाहिए था, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गए, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, नई टांग लगवाई, ऑपरेशन करवाया, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए साड़ी, बच बस 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 बस। आप गदर 2 का भी हिस्सा है, गदर 1 में भी आप थे, गदर 2 की कहानी कैसे शुरू हुई बताइए। गदर 2 हमने सोचा नहीं था फ्रैंकली खुशबू जी के, जब मुझे गदर 2 स्टार्ट होने के पहले कुछ 4-5 महीने पहले जब अनिल जी से मैं मिला था,
तो अनिल शर्मा जी ने मुझे हिंट दिया था कि भाई बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तैयारी चल रही है। अच्छा, तो मुझे लगा कोई नई फिल्म की बात कर रही है, तो मैंने कहा सर कोई नई फिल्म है? अरे वही फिल्म है यार जो आप कर चुके हो। मैंने कहा कर चुके मतलब गदर भाई? अच्छा, गदर टू बनाने जी भाई, चल रहा कुछ अच्छा अच्छा बन रहा है, इस तरह उन्होंने मुझे हिंट किया था। अब जो राइटर जो है उनके शक्तिमान जी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोले हाँ मुश्ताक भाई ऐसा कुछ चल तो रहा है, देखो क्या बनता है, अभी बताते हैं हम आपको, अगर स्क्रिप्ट अच्छी बन जाएगी तो सामने वाले जी वालों को भी पसंद होना चाहिए ना, प्रोड्यूसर को ये सब। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया कि सर आप आ जाइए, वी आर स्टार्टिंग गदर टू। तो अब मेरे लिए गदर टू मतलब ये था कि यार वो इतनी बड़ी हिट फिल्म थी वो, दैट टाइम यू नो दैट, उस टाइम की दो फिल्में ऐसी चली थी, लगान दोनों आमने सामने रिलीज जी, जी जी जी, और गदर इतनी बड़ी हिट थी मतलब। तो उनको इतना तो ये था कि यार गदर फर्स्ट का जो है वो रिस्पांस उसकी वजह से फिल्म इनिशियल अपना जो है ओपनिंग ले लेगी, उनको ये तो था। बट अब मुझे ये नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी वो। तो जब अनिल जी के पास मैं गया तो उन्होंने कहा भाई ऐसे 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 ऐसा है, और अब तो बेटा भी आ गया। तो जब पता चला कि वो जो बेटा गदर फर्स्ट में जो 7-8 साल का होगा वो बच्चा, हाँ, वो जो उनका बेटा बनता है, अब वही बड़ा होकर के अब कुछ हो गया 27-28 साल का, 30 साल का है ना, तो अब उसके साथ जो है वो हीरो है फिल्म का, अब वो है बेटा सनी का। तो लगा इंटरेस्टिंग लगी जब कहानी उन्होंने सुनाई, उनका अच्छा लग तो रहा है अभी ये, तो तैयारी हो गई। फिर हम लोग शूटिंग पे गए, सीन किए, बहुत अच्छा लगा। फिर भी ये उम्मीद नहीं थी कि गदर इतनी बड़ी हिट होगी, बट अच्छी चली फिल्म। फिल्म से पहले बहुत कुछ गदर के लिए भी कहा जा रहा था, गदर टू के लिए भी कहा जा रहा था। अभी रिलीज को 5-7 दिन हुए हैं, फिल्म 300 करोड़ ऊपर गई है मतलब। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतना जुनून नहीं देखा है। मेरे अपने फोन पर फिल्म की क्लिपिंग लोग भेजते हैं, यस यस, और इतनी क्लिपिंग भेजते हैं, वो कट कट के मेरे सीन्स भेज रहे हैं जी जी कि सर ये देखो ये सीन आपका, ये सीन है उसमें मेरा, क्या हो गया कि एक इमोशनल सीन भी है जहाँ पर वो सनी जी के साथ है और बेटे के साथ भी सीन्स हैं और बाकी सीन्स हैं मेरे। एंड और उसके बाद जब पता चल गया तीसरे दिन कि भाई बहुत बड़ी हिट हो गई है फिल्म, तो मैंने सनी देओल को इतना खुश देखा, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। जी, कमबैक कर रहे, कमबैक मतलब आफ्टर 22 इयर्स, 22 साल हीरो कहाँ रह जाता है। yes. अब आप देखिए उस फिल्म में सनी जी के अलावा अमीषा पटेल और कौन है, कौन है बताइए, स्टार बताइए। और सनी साहब भी मतलब यार वो 22 साल का सनी देओल और अभी का सनी देओल, लेकिन सनी देओल ने फिल्म को प्रमोट भी कितना किया, प्रमोट किया, उन्होंने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी है, हाँ सब जगह डांस। मैं उनसे जब मिला ना बैठा तो पाजी, मैंने कहा यार एक बात कर सनी पाजी, बोले मैंने कहा जब आप सेट पे होते थे ना तो जिस तरह होते थे तो मेरे को लगता नहीं था आप, लेकिन आपने जो परफॉर्मेंस की है उनके तो हंसने लगे वो, दे वर सो हैप्पी है। एंड मेरा ख्याल अनिल शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा कितनी बड़ी हिट। मुश्ताक जी, जर्नी तो आपकी बहुत शानदार लगी और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहे। पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो कौन कौन है आपकी फैमिली में, अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताइए। मेरी बहुत ही पर्सनल लाइफ में बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। मेरी वाइफ है सलमा खान जो नागपुर की रहने वाली है, नागपुर मेरा ससुराल है। मेरा एक बेटा है मोहसिन खान, वो भी डायरेक्शन लाइन में है। अच्छा। और ऑलरेडी उसने 2 फिल्में डायरेक्ट कर चुका है जी। और रिलीज भी करने वाला है। और मेरी एक बेटी है जो शादीशुदा है। अच्छा। और हम लोग मतलब मैं वाइफ और एक बेटा एक बेटी, हम लोग बड़ा सुखी परिवार है और बड़ा ही सहारा मिलता है वाइफ से, बहुत ही अच्छे ख्यालात की है और बहुत ही ख्याल रखती है मेरा। क्या बात है। बॉलीवुड ठिकाना के जरिए आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा बॉलीवुड ठिकाना की ऑडियंस को, सभी दर्शकों को, कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और जो भी आप कर रहे हैं पूरे तन मन धन से ईमानदारी से कीजिए किसी भी फील्ड में। और एक ही बात याद रखिए कि भैया हिट होना है, क्योंकि ऐसा है कि अगर दुनिया में कुछ नाम करना है तो कुछ ऐसा कर, एक लंबे बांस पे तू चढ़ उतर और हर कदम ऐसा रख के अब मरा और काट दे सस्पेंस में सारी उम्र, पीछे नहीं हटना,
तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, ये सोचना कि मुझे कामयाबी होना है और कामयाब होकर रहेंगे आप। इसी सोच से मुश्ताक जी जो है फिल्म इंडस्ट्री में चले हैं, तभी इस इंडस्ट्री में 45 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 350 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की है। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एक्टर के साथ उनकी लाइफ की जर्नी जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।